डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, ये एनसीईआरटी का मैथ है क्लास सिक्स का एक्सरसाइज 4.6। आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज के साथ ही चैप्टर फोर कंप्लीट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन को पढ़ेंगे। फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई, यहाँ पर फिगर जो दिया हुआ है, यहाँ पर सर्कल फिगर दिया हुआ है सर्कल का, और सर्कल में कुछ चीज़ें होता है जिसको आपको जान लेना चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है जिसको जानने के बाद, इसको पढ़ने के बाद जो है आप एक सर्कल के बारे में उसकी क्या मतलब विशेषता होता है उसको आप जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक यहाँ पे दिया हुआ है, ये सर्कल में इस तरह का जब ये ट्रायंगल टाइप का शेप बनता है, आप शेडेड पार्ट जो देख रहे हैं ये ट्रायंगल टाइप का, तो इसको सेक्टर बोला जाता है। ए सेक्टर, यहाँ पर ए सेक्टर हो गया, और यहाँ पर इस तरह का जब ये फिगर बना हुआ आता है इस तरह से, तो उसको सेगमेंट बोला जाता है। इस तरह से कई सारे चीज़ें हैं जिसको आप थोड़ा सा जानकारी रखना है। यहाँ पे उसी तरह की चीज़ों को पूछा गया है जिससे कि आप लोग सर्कल के बारे में अच्छी तरह से जान जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये सर्कल है और इस फिगर से यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है तो इस फिगर से पूछा गया है। सबसे पहले यहाँ ए नंबर में पूछा गया है द सेंटर ऑफ सर्कल, तो ये सर्कल जो है इसका सेंटर, सेंटर मतलब हो गया बीच वाला भाग, बीच वाला पॉइंट जो है उसको सेंटर बोला जाता है। तो यहाँ पे ओ पॉइंट जो ये दिखाई दे रहा है ये सेंटर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ ओ हो जाएगा। यहाँ पे ही मैं लिख देता हूँ, ये सिर्फ ओ, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बी नंबर में थ्री रेडियाई, तो रेडियाई जो होता है वो रेडियस का पुलरल वर्ड है, रेडियस जो वर्ड होता है उसका पुलरल जो होता है उसको रेडियाई बोला जाता है, इस तरह से लिखा जाता है, रेडियाई पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे थ्री मतलब एक से ज़्यादा पूछ रहा है इसीलिए ये पुलरल हो गया है। तो यहाँ पे तीन रेडियस को दिखाना है इसीलिए रेडियाई लिखा हुआ है। तो यहाँ पे रेडियस ये होता है, यहाँ पॉइंट से सर्कल लाइन तक जो लाइन खींचा जाता है उसको रेडियस बोला जाता है। तो एक ओ से ए एक हो गया, ओ से सी दो हो गया, और ओ से बी तीन हो गया। तो तीन यहाँ मांग रहा है और यहाँ पे ऑलरेडी तीन दिया हुआ है इसीलिए ये तीन मांग रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओ ए एक हो गया, उसके बाद ओ बी दो हो गया, उसके बाद एंड लिखेंगे एंड, उसके बाद ओ सी एक्चुअली इसका आंसर इतना छोटा हो सकता है कि मैं इसी पेपर पे लिख के आपको दे दे रहा हूँ, अगर आवश्यकता पड़ा तो फिर दूसरा पेपर हम लोग लेंगे। उसके बाद सी नंबर में ए डायमीटर, तो डायमीटर जो होता है वो सेंटर को पार करते हुए एक लाइन जो सर्कल लाइन के दोनों तरफ टच करता है उसको डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर जो है सेंटर से ही गुजरेगा, अगर सेंटर से इधर उधर चला जाता है तो उसको डायमीटर नहीं कहते हैं। तो ये लाइन सिर्फ सेंटर से होते हुए गुजरा है इस पार से लेकर उस पार तक, तो यही डायमीटर हो जाएगा। ए सी, तो ए सी यहाँ लिख देते हैं, ए सी ये डायमीटर हो गया। उसके बाद एक कॉर्ड, तो कॉर्ड वही होता है जो सेंटर से गुजरता है वो डायमीटर होता है, लेकिन उसको कॉर्ड भी बोल सकते हैं। जो डायमीटर होता है वो कॉर्ड भी होता है, लेकिन एक कॉर्ड जो होता है वो डायमीटर नहीं हो सकता, वो कॉर्ड ये लाइन जो है ये कॉर्ड है लेकिन ये डायमीटर नहीं, क्योंकि ये सेंटर से नहीं गुजरा है। तो कॉर्ड जहाँ पूछ रहा है हम इसका नाम लिख सकते हैं, अगर ये नहीं होता तो हम इसको भी लिख सकते थे। तो ई डी जो है वो एक कॉर्ड है, तो ई डी लिख देते हैं, ई डी इसका आंसर हो गया। उसके बाद टू पॉइंट्स इन द इंटीरियर, दो पॉइंट्स पूछ रहा है जो इंटीरियर मतलब सर्कल के अंदर हो, तो सर्कल के अंदर ऑलरेडी एक पॉइंट होता ही है जो सेंटर होता है, बिना सेंटर के सर्कल नहीं बन सकता, तो इसलिए एक पॉइंट तो ये हो गया और दूसरा पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, अलग से दिया हुआ है, पी दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ओ पी, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ओ कोमा दे के पी लिख देते हैं, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद ए पॉइंट इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर, सर्कल से बाहर, तो सर्कल के बाहर एक पॉइंट दिया हुआ है क्यू, क्यू दिया हुआ है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्यू, यहाँ पे लिख देते हैं क्यू, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे जी नंबर में ए सेक्टर, तो सेक्टर आप लोग को दिखाए थे ऊपर में, यहाँ पे सेक्टर, यहाँ पे आप सेक्टर देख सकते हैं, यहाँ पे ये ट्रायंगल टाइप का जो एरिया होता है इसको सेक्टर बोला जाता है, ये सेक्टर हो गया। तो यहाँ पे ट्रायंगल टाइप का एरिया क्या है, ट्रायंगल टाइप का एरिया हम लोग देख रहे हैं ए ओ बी, ये जो एरिया शेडेड पार्ट है ये हो गया सेक्टर। तो सेक्टर यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए ओ बी, ए ओ बी ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पे लिख देते हैं शेडेड पार्ट, ये एस एच ए डी ई डी शेडेड पार्ट, ये शेडेड पार्ट हो गया, ए ओ बी शेडेड पार्ट, तो ये ए ओ बी शेडेड पार्ट है। उसके बाद ए सेगमेंट, ए सेगमेंट, ये सेगमेंट जो है ये शेडेड पार्ट हो गया, ये दूसरा शेडेड पार्ट जो है ये सेगमेंट है, तो इसको यहाँ पे हम लोग दिखा सकते हैं ई डी के रूप में ही दिखाना होगा, ई डी
ये हो गया, और इसको लिख देते हैं यहाँ पे सेलेक्ट पार्ट, तो एस एच ए, ये हो गया सेलेक्ट पार्ट। और इस तरह से यहाँ पे वन नंबर कंप्लीट हो गया। अब टू नंबर में यहाँ पूछ रहा है, इज एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल ऑल्सो ए कॉर्ड। ये डायमीटर ये होता है, तो सभी डायमीटर जो होते हैं वो एक कॉर्ड भी होते हैं, ऐसा यहाँ पे बोल रहा है। तो ये सही होगा, इसका आंसर एस लिख देंगे, ये एस हो गया, ठीक है, इसका आंसर जो है एस हो गया, ये टू का ए है। उसके बाद यहाँ पे इज एवरी कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑल्सो ए डायमीटर, क्या सभी कॉर्ड जो होते हैं वो डायमीटर भी होते हैं, सभी कॉर्ड। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड क्या डायमीटर है? नहीं, क्यों? क्योंकि वो सेंटर से नहीं गुजरा है, सेंटर से जो गुजरेगा वही डायमीटर को कॉर्ड भी कह सकते हैं, डायमीटर भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि सभी कॉर्ड जो होते हैं वो डायमीटर नहीं होते हैं, तो इसका आंसर सिर्फ हो जाएगा नो। बस ये कंप्लीट हो गया। और इसी तरह का यहाँ पे जिस तरह से पॉइंट पूछा गया है उसी तरह से यहाँ पे कुछ दिया गया है तीन नंबर में, और इसको एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है और उसके अनुसार से इसका आंसर देना है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, वैसे ये पूरा गोल नहीं है, लेकिन आप अपने जो ज्योमेट्री बॉक्स से आप पूरा सर्कल गोल बना सकते हैं, या इससे भी इसका आंसर दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क, एक सर्कल बनाना है और ये जो चीज़ें दिखाने के लिए कहा गया है इसमें दिखाना है। तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया है, किस किस तरह से दिखाया गया है, यहाँ पे इट्स सेंटर, सबसे पहले सेंटर, तो सेंटर यहाँ ओ के रूप में दिखाया गया है, तो यहाँ ओ लिख देते हैं ओ। बी नंबर में ए रेडियस, एक रेडियस दिखाना है यहाँ पे, तो रेडियस तो ऑलरेडी यहाँ तीन रेडियस आ रहा है, लेकिन एक रेडियस दिखाना है यहाँ पे। प्लूरल वर्ड, सिंगुलर वर्ड लिखा गया है, प्लूरल फर्स्ट में लिखा हुआ था रेडियाई, और यहाँ पे दिया गया है रेडियस, तो सिंगुलर वर्ड में रेडियस इस तरह से होता है। तो यहाँ किसी एक को रेडियस दिखा देते हैं, ओ ए, ओ ए हो गया कंप्लीट। एक डायमीटर दिखाना है, तो डायमीटर यहाँ पे ए बी, यहाँ से सेंटर से गुजरते हुए जो लाइन जाता है उसको डायमीटर कहा जाता है, तो डायमीटर यहाँ पे ए बी है, ए बी यहाँ लिख देते हैं ए बी, ये डायमीटर हो गया। उसके बाद इस सेक्टर, तो सेक्टर जो होता है वो ट्रायंगल टाइप का होता है, ये ट्रायंगल टाइप का सिलेट पार्ट जो है ये सेक्टर रहते हैं, ए ओ सी, इसको लिख देते हैं ए ओ सी, और यहाँ ब्रैकेट में सेलेट पार्ट कर देते हैं, सेलेट पार्ट हो गया सेक्टर में। उसके बाद सेगमेंट जो है, सेगमेंट में भी जो ये सेलेट पार्ट जो होता है ये सेगमेंट होता है, तो यहाँ पे डी ई लिख देते हैं, डी ई, और यहाँ पे लिख देते हैं सेलेट पार्ट, सेलेट पार्ट हो गया। उसके बाद ए पॉइंट इन इट्स इंटीरियर, एक पॉइंट इंटीरियर मतलब अंदर में, तो ऑलरेडी एक पॉइंट होता ही है, जो सेंटर होता है वही एक पॉइंट होता है, इसका आंसर भी हो जाएगा ओ, ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद ए पॉइंट इन इट्स एक्सटीरियर, एक्सटीरियर में इसके बाहर में एक पॉइंट बनाया हुआ है एफ नाम से, तो इसका आंसर एफ हो जाएगा, तो एफ लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एच नंबर में एन आर्क दिया हुआ है, तो यहाँ पे आर्क कहीं नहीं दिया हुआ था, तो ये अच्छा चीज़ है कि यहाँ पे दे दिया है एन आर्क, इससे क्या होगा कि आप लोग को पता चल जाए कि आर्क किसको कहते हैं। तो ये सर्कल जो लाइन होता है इसी का टुकड़ा जो होता है उसको आर्क बोलते हैं, जैसे कि यहाँ से यहाँ एक टुकड़ा ले लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ, तो इसका नाम भी दिया हुआ है ए सी, तो ए सी इसको दिखा देते हैं ए सी, लेकिन आर्क में जो है इस तरह के दिखाते हैं ऊपर में ऐसे, बस ए सी हो गया, ये कंप्लीट हो गया, थ्री नंबर कंप्लीट। और फोर नंबर में जो है यहाँ पे ट्रू फॉल्स कुछ पूछा गया है, टू डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट, दो डायमीटर अगर होगा और दो डायमीटर अगर खींचा जाए इस पर तो क्या होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, मतलब एक दूसरे को काटेगा। तो अगर दो डायमीटर यहाँ लेते हैं, तो कहीं से भी इधर से खींचते हैं, इधर से खींचते हैं, कहीं से भी खींचते हैं, तो इसको इंटरसेक्ट करेगा, नेसेसरली मतलब निश्चित रूप से इंटरसेक्ट करेगा, तो ये सही है, ट्रू है, इसका हम टी लिख देते हैं, ट्रू हो गया। दो डायमीटर खींचने पर वे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। उसके बाद द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर, सर्कल का जो सेंटर होता है वो हमेशा ही सर्कल के अंदर होता है, यहाँ पे जैसे कि बतला रहा है, तो सेंटर जो होता है वो सर्कल के अंदर ही होगा, वो कभी भी बाहर नहीं हो सकता, तो ये भी ट्रू है, इसको हम ट्रू लिख देते हैं, ये हो गया। और यहाँ पे ये एक्सरसाइज पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। मैंने प्रयास किया है कि इसमें किसी तरह का कोई डाउट ना बचे, फिर भी अगर आप लोगों को डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, आप इसको एक दो बार जरूर देख लें इस वीडियो को, और रिवाइज भी कर लें, बुक में भी काफ़ी सारा चीज़ बताया हुआ रहता है, आप उसको भी देखें। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसके अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।